हेलो मीनाक्षी। हाँ चलिए ठीक है। ओके ओके। आज की इस परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये वस्तुतः कोई पहले प्लान नहीं था, आनन फानन में ही इस आज की इस परिचर्चा को वह हम लोगों ने आयोजित किया, क्योंकि इससे पूर्व इस बात का ध्यान नहीं था कि आने वाले कल में कबीर जयंती है और कबीर जयंती के उपलक्ष्य में हमें एक छुट्टी और एक हॉलिडे दी गई है। इस बात का पूर्व ध्यान नहीं था, तो इसलिए फिर लगा कि कबीर जैसे व्यक्तित्व को जानना समझना ये हम सबका दायित्व तो है ही है, और विशेष रूप से हम संस्कृतज्ञों के लिए ये बड़ा एक आवश्यक हो जाता है कि संत कबीर जैसे व्यक्तित्व को हम लोग पहचाने, समझें और देखें कि उनका व्यक्तित्व कैसा है और उनका दर्शन कैसा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संस्कृत परंपरा से भारतीय परंपरा के वो एक जो है वो भारतीय परंपरा के मुकुट की वो मणि है। संतों में उनका इस तरह की स्थिति है, क्योंकि जहां हम शास्त्रीय मर्यादाओं की बात करते हैं, साथ में हम गतिशीलता की, सामाजिक गतिशीलता की बात करते हैं, उनके बीच में कहीं पर संत कबीर खड़े हैं। हालांकि हम कहते जरूर हैं कि अनपढ़ थे और ग्रंथ नहीं पढ़े थे, लेकिन क्या ये कभी किसी संत के लिए संभव है कि उसने शास्त्र ना पढ़े हों लेकिन वो संस्कृति से भी अपरिचित रहा हो? और क्या ये भी संभव है कि केवल संतों ने, या विशेष रूप से कबीर और दादू पीपा जितने भी संत रहे हों, इन्होंने केवल समाज में दोष ही दोष देखे हों? और क्या ये केवल ये संभव है कि हम ये मान लें कि इन संतों ने सिर्फ अध्यात्म की ही बात की और व्यवहार का कुछ उनको पता नहीं था? ऐसा जब आप पढ़ने लगते हैं, जानने लगते हैं, एक्सप्लोर करने लगते हैं, तो आपकी अपनी ही मान्यताएं खंडित होने लगती हैं। ये अलग बात है कि अलग अलग तरह की विश्वासों वाले लोगों ने, जिनमें संप्रदायवित भी हो सकते हैं, जिनमें आप कम्युनिस्ट भी शामिल कर सकते हैं, सेकुलरिस्ट भी शामिल कर सकते हैं, गंगा जमनी तहजीब वाले लोगों को भी आप शामिल कर सकते हैं, ये इन लोगों का व्यक्तित्व उससे बहुत व्यापक और विशाल दिखाई देता है, बहुत सूक्ष्म और संवेदनशील दिखाई देता है। लेकिन वही बात होती है कि हम लोग इन बातों को कैसे उपयोग में लाना चाहते हैं, हमारे पीछे दृष्टि क्या है, इंटेंशन क्या है, उस तरीके से हमें जो जो सूट करता है हम उस तरह से प्रयोग करते रहे हैं और उसी तरह से हम आहत करने का प्रयास करते रहे हैं। कबीर ने तो कभी किसी को आहत नहीं किया होगा, लेकिन कबीर के नाम पर हम जिस तरह से दूसरों को आहत करने का प्रयास करते रहे हैं, विशेष रूप से हिंदू सभ्यता और संस्कृति को, भारतीय समाज को, वो एक अलग बात है। हाँ, जगाने की बात होती तो मुझे लगता कि हम कबीर के साथ न्याय कर रहे हैं, कबीर के साथ नहीं बल्कि अपनी बुद्धि के साथ न्याय कर रहे हैं, क्योंकि कबीर तो कभी किसी को आहत कर ही नहीं सकते, वो जगा सकते हैं, संतों का काम जगाने का था। तो कुल मिलाकर के कबीर के व्यक्तित्व एवं दर्शन का निष्कूटन करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत कांगेरस जी हमारे साथ उपलब्ध हैं। और उससे पूर्व कि मैं उनको मंच पर आमंत्रित करूं, मैं दो तीन बातें आप लोगों के साथ और साझा कर लूं एक भूमिका के रूप में, क्योंकि कल पूर्णिमा है और भारतीय संत परंपरा का ये एक विशेष वैशिष्ट्य है कि जितने भी संत पैदा होते हैं, अवतरण लेते हैं इस दुनिया में, भारत की धरती पर, वो सभी के सभी पूर्णिमा के दिन ही होते हैं। मैंने, मेरी जानकारी में नहीं है कि पूर्णिमा के अतिरिक्त कभी कोई संत जो है वो धरती पे अवतरित हुए हों, या जितने भी अन्य अवतार हुए हों वो पूर्णिमा के दिन के अतिरिक्त हुए हों। तो इस तरह से पूर्णिमा का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण हो ही जाता है, और कल पूर्णिमा के दिन जन्म जो विक्रमी संवत जो है, तदनुकूल जो है, इनका जन्म हुआ, और विक्रमी संवत 1591 में इनकी जो है वो देहावसान हुआ और मोक्ष प्राप्त हुआ। भाषा से आप लोग परिचित हैं, मैं दो तीन बातें कहना चाह रहा हूँ कि उनकी भाषा सुधकड़ी है, पंचमेल खिचड़ी जिसे कहते हैं, और इसमें कई सारी हिंदी की जितने भी आयाम हैं उन
हिंदी भाषा के जितने भी आयाम हैं उसमें वो सारे शब्दावलियाँ जो हैं, वो बोलियों के जो शब्द हैं वो इसमें इनकी भाषा में हमें देखने को मिलते हैं, इनके साहित्य में देखने को मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और साथ ही साथ आप प्रसिद्ध जो इनके ग्रंथ हैं, आप जानते हैं कबीर साखी और कबीर बीजक, ये हैं। आप में से कुछ लोगों ने पढ़े होंगे, कुछों ने नहीं देखे होंगे, लेकिन अब उससे आप लोग परिचित हो भी सकते हैं और देखना चाहिए भी। इस संस्कृत शास्त्रों को भी देखें और संस्कृत शास्त्रों के आधार पर उन साधु संतों की भाषा को, उनके साहित्य को भी हम मूल्यांकित करें और समझने का प्रयास करें। सामान्य रूप से जो आप अपने सामने देखते ही हैं, उनकी जो प्रसिद्ध जो दोहे होते हैं उनमें जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान मोल करो, तरवार का पड़ा रहने दो ज्ञान, इस तरह के जो दोहे हैं, बुरा जो मैं देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, ये बड़े सामान्य से दोहे हैं। लेकिन उस दोहों में उसके अतिरिक्त ऐसे दोहे जिनमें बहुत विरोध अंतर विरोध दिखाई देते हैं, मोटी बुद्धि से अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि ये बात कैसे बन सकती है कि नाव में नदियां डूबी जाए, ये कैसे संभव। इस तरह के प्रयोग जो उलट बांसियां जिनके कह सकते हैं आप, इस तरह के हमें बहुत सारे प्रयोग दिखाई देते हैं, उनको भी आज हम समझने का प्रयास करेंगे। और इस आयोजन को करने का जो पर्पस था वो यही था कि हम संत कबीर, जो कि ज्ञान की पराकाष्ठा को छू चुके हैं, जिन्होंने कभी कुछ पढ़ा नहीं, आज उन्हीं को हम कैसे पढ़ें, उनकी भाषा को कैसे पढ़ें, उनके कर्मों को कैसे जानें, उनकी स्वतंत्रता जिस तरफ वो चल पड़े वो उनका स्वातंत्र है, उनके धर्म को समझें, उनके संबंधों को, उनके विचारों और भावों और ज्ञान को आज हम विश्लेषित करें, समझने का प्रयास करें और उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तो इसके लिए हमने विनम्र भाव से निवेदन किया था प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी को, जो फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ कालिदास चेयर एंड चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हैं, रहे हैं, उनको मैंने विनम्र निवेदन किया था और उन्होंने इसे बहुत जल्दी स्वीकार किया, क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को कहा बताया था कि आनंद फानन में ही आज का हमने विषय चुना और आनंद फानन में ही उनसे निवेदन किया और उन्होंने इसको स्वीकार किया। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि लगभग अगले 35-40 मिनट वो कबीर के विभिन्न पक्षों को के बारे में हमारा परिचय कराएं, हमारा ज्ञान, हमारा मार्ग प्रशस्त करें कि कैसे शास्त्रीय परंपरा से, और अगर इस बात से शुरू कर पाएं कि संस्कृत शास्त्र परंपरा और ये जो संत परंपरा है, इनके संबंधों को कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए, क्योंकि एक और तो हम बहुत मर्यादाओं की बात करते हैं, बहुत एक व्यवस्था की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो है संत जैसा व्यवहार कर ले वही मर्यादा बन जाती है। तो इन सब बातों को हम समझने का प्रयास करें। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात हमारे साथ आज ही शुरू करें और हमें दिशा निर्देश उपलब्ध कराएं। डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी। समादरणीय, हेलो हेलो, आ रही है आवाज? आ रही जी जी बिल्कुल आ रही है। समादरणीय सभा में उपस्थित बंधु बिंद, ये अकस्मात कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, इस आकस्मिक आयोजन में जहाँ पर एक औपचारिकता होती है, तो उन औपचारिकताओं से परे हट करके ये इस किस्म की आकस्मिकता कभी कभी प्रकट होती है। एक होता है कि हम प्लान बहुत पहले करते हैं और फिर वो प्लान जो है उसके अंदर धीरे धीरे हम औपचारिकताओं में बनते चले जाते हैं और फिर उन्हीं औपचारिकताओं में ही हम आगे बढ़ते हुए अपनी बात करते हैं, जो बहुत कई बार सहज नहीं होती है। और ये सहजता जो है, इस सहजता के दर्शन को समझना, ये साधारण आम आदमी की बातचीत के अंदर
जैसे ये लोगों का रहता है कि जो बुद्धिजीवी, बहुत सारे विद्वान लोग बुद्धिजीवी, तो उनका जब समाधान होता था तो बाजार में चलते हुए खड़े बैठे इसी तरह से भी बात कर लेते थे। तो कबीर भी इसी प्रकार के संत थे। इससे पहले आप थोड़ा सा संत के विषय में ये हमें विचार कर लेना चाहिए कि संस्कृत में, क्योंकि आप लोग संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत में ये प्रयोग कालिदास ने जिस रूप में किया वो बहुत ही सटीक प्रयोग लगता है मुझे। कई बार पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्य वद्यम संत परीक्षान्यतरद भजन्ते मूढ़ पर प्रत्यय बुद्धि। संत कौन है कि जो सारी पुरानी बातें जो हैं वो सभी ठीक हैं और नई बातें सभी गलत ही हैं, ऐसे नहीं वो सोचते हैं। वो परीक्षा अन्यतरद भजन्ते, वो परीक्षा करते हैं। और परीक्षा का मतलब क्या है कि उसके गुणावगुण का अवलोकन अवलोचन समालोचन करके जो ठीक होता है उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन इस ग्रहण के पीछे उनकी बुद्धि में एक स्वाभाविक सहजता जो रहती है, जिसे आगे अग्रसर करते हैं कि संत सदा परहिते विहिता भी योगा। संत लोग जो है उनका परहित में सदा अभियोग, वो औरों के भले के बारे में, अपने भले की अपेक्षा औरों के भले के बारे में ज्यादा सोचते हैं। संत सदा परहिते विहिता भी योगा, ये संत लोग जो है ये एक प्रकार की अपने भीतर एक अग्नि को समेटे हुए होते हैं, जो सोने की शुद्धि और अशुद्धि उसको परख लेते हैं, और अग्नि जो है वो सोने के मल को ध्वस्त कर देती है लेकिन सोने को चमका देती है। ऐसे ही ये अपने ज्ञान को, ज्ञान का जो मल होता है, कि ज्ञान का मल जो है उसके विषय में बात करते हैं कबीर कि पका पकी के देखने सब जगत भुलाना, निरपक हो ही जोई भजे सो साधु से आना। वह साधारण सी बातें हैं लेकिन साधारण बातों में गंभीर, इसलिए ये सूत्र समझ लेना चाहिए कि कबीर एक साधारण में असाधारण व्यक्तित्व है। बहुत ही साधारणता के बीच में असाधारण व्यक्तित्व जो है वो, क्योंकि कुछ लोग जो जन्म से ही जो एक संवेदनशीलता, जो व्यक्तित्व की संवेदनशीलता या प्रतिभा शक्ति को समोह के पैदा होते हैं, वो लोग कितने पढ़े हैं क्या पढ़े हैं उनको डिग्रियों विग्रियों से नहीं आकलन उसका करना चाहिए। क्योंकि ये एक सहजता का मतलब क्या है कि उनके साथ जो एक विचार पद्धति, जो संवेदना जन्म लेती है, स्वाभाविक से स्वभाव से ही वो लोग एक परहित में जिनका अभियोग रहता है, ऐसे लोग जो हैं वो यथार्थ को देखते हैं और अपने आसपास की जो स्थिति है उसका भी आकलन ठीक से करने का प्रयास करते हैं। तो कबीर के पास निश्चित रूप से जन्म से ही एक संवेदनशीलता है और वो जन्मजात संवेदनशीलता को अग्रसर होने में, चाहे उसमें रामानंद महाराज ने उनको अग्रसर किया, कुछ संकेत दिया, या उनके साथ और काशी के वातावरण में हवा में जो कुछ अध्यात्म प्रवाहित हो रहा था उनके समय में, उस अध्यात्म को उन्होंने किस प्रकार से धीरे धीरे लड़ते झगड़ते धीरे धीरे आत्मसात करते गए। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आए होंगे कि एक यंग लड़का जब आगे बढ़ता है तो अपने आसपास फैली हुई सामाजिक विकृतियों को, प्रकृतियों को, अच्छे भले हर तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, तो उन लोगों का आकलन करना जीवन को समझने के लिए बड़ा आवश्यक होता है। तो वो अपने आसपास के परिवेश में, और परिवेश कैसा था, काशी का परिवेश जिसके अंदर हर तरह का व्यक्ति, अच्छे से अच्छा और खराब से खराब, हर तरह का व्यक्ति यहाँ पर उपलब्ध हो सकता,
ऐसे उस एक कॉस्मोपॉलिटन जिसे कहना चाहिए, ऐसे उस महानगर में काशी की नगरी के अंदर कबीर का जन्म हुआ है। और कबीर जो है उस परिवेश के अंदर आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस प्रकार का उनके आसपास का जीवन रखा होगा। उस जीवन में बेचैनी भी है, व्याकुलता भी है। बीच में वो कहते हैं कि मैं तो चालादाई था लोक वेद के साथ, आगे से सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। मैं तो लोक और वेद के साथ जैसे आम लोक वेद चलता है, लोक के अनुसार एक रूटीन जीवन जो है, कर्मकांड का जीवन नहीं है, सिर्फ जो रोजमर्रा का जीवन है उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें मैं तो चालादाई था। दो ही परंपराएं हैं, लोक परंपरा और शास्त्रीय परंपरा, दोनों परंपराओं के साथ चल रहे थे, लेकिन सतगुरु की कृपा हो गई कि उन्होंने प्रकाश का ज्ञान का दीपक मेरे हाथ में रख लिया और उससे वो जलत अम्ब थम्भि मनु भागा, भर्म बंधन बहु भागा। मैं जलता हुआ दौड़ा जा रहा था जो कामनाओं के पीछे, इच्छाओं के पीछे जो दौड़ता हुआ, ऐसे गुरु का उपदेश मुझे ऐसे मिल गया कि जैसे किसी जिसके मनुष्य के सिर में आग लगी हुई हो और उसके सिर के ऊपर कोई पानी का भरा हुआ घड़ा डाल दे और शांत कर दे उसको, ऐसे ही वो शांत हो गया। लेकिन इस शांति से पहले जो प्रज्वलन है उसको जब वो देखते हैं तो अपनी आलोचनात्मक दृष्टि से अपनी ही चेतना को झाड़ के पहुंचते हैं पहले, जिसे कहते हैं ये मैंने आसपास देखा दुनिया में इतनी विचारधाराएं हैं, सभी दर्शन हैं, अब हर एक दर्शन ही दूसरे की आलोचना परमत खंडन कर रहा है, अब स्वमत मंडन में सारा जोर लगा रहा है सभी का। तो इस स्थिति को उन्होंने काशी में, इससे बड़ा और स्थान कौन सा हो सकता कि परमत खंडन और स्वमत मंडन, अपनी बात चाहे खोटी है जो है उसे ठीक है और दूसरे की बात खरी भी है तो वो खोटी है, इसको देख करके ही वो लिखते हैं कि पखा पखी के देखने सब जगत भुलाना। ये सभी लोग जो हैं पक्ष पखा पखी शब्द है, कौन भाषा का प्रयोग कैसे जो आम अनपढ़ आदमी बोलता कि ये पक्ष विपक्ष की भावना से ही सारा जगत भूला हुआ है। निरपक्ष होई दोई भजे सोई साधु से आना, जो इस पखा पखी के इस पक्षपात रहित दृष्टि से जो जीना सीखता है वो पक्षपात रहित दृष्टि से जिए वो आत्मदृष्टि है, आत्मालोचन की दृष्टि है। फिर पत्नियों नाम लोई था तो फिर आगे कहते हैं जो खरसों खर बन दिया ऐसे बंधे सब लोई, जैसे गधे की पूंछ के पीछे दूसरा गधा बंधा हुआ होता है, उसके पीछे तीसरा, उसके पीछे चौथा, ऐसे लोग जो है एक लाइन में चल रहे हैं। जूं खर सूं खर बन दिया, जैसे खर के पीछे खर को बांधा हुआ है, जूं सब लोही जैसे चल रहा है। लेकिन आत्म दृष्टि जाई के सोई साधु से आना, इसलिए जो पखा पखी में चलने वाले लोग जो हैं, जो निरपेक्ष दृष्टि नहीं रखते हैं, जो तटस्थ दृष्टि नहीं रखते हैं, ये सब खर को सर बन दिया वाली बात है। लेकिन जो आत्म दृष्टि जाके सोई साधु से आना, जिसके पास आत्मदृष्टि मिल गई, जिसको आत्मदृष्टि का प्रकाश मिल गया है, उसी को मैं सियाना साधु मानता हूँ। इस तीन चार पंक्तियों के अंदर आप देखें तो उसकी एक व्यथा भी है, अपने आसपास के परिवेश से वो विद्रोह भी कर रहा है, लेकिन विद्रोह जो है आत्मदृष्टि में उसका पर्यवसान भी हो रहा है, क्योंकि आत्मदृष्टि की बात जो है वो भी काशी में बहुत बड़े स्तर के ऊपर ऊपर से नीचे तक होती चली जा रही थी। इसलिए उसकी हवा में से ही वो शिक्षण सारे का सारा जो संस्कार था, वो ऐसा नहीं क्योंकि बाहर से आयातित ज्ञान नहीं है, वो सारा उनका जो ज्ञान है वो वहीं की भूमि से, और इसके लिए अपेक्षा नहीं होती कि हर व्यक्ति जो है वो, अगर वो ये कहते हैं कि मसीह कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ, तो ऐसे बहुत लोग देखे हैं मैंने, ऐसे मिले हैं कि जिनको कलम गही नहीं हाथ, लेकिन विजडम उनके अंदर आई हुई, विजडम उनमें उतर आती है, वो नहीं भी उसमें पढ़ा के किसी से, लेकिन आम बातचीत के अंदर उनमें एक दृष्टि का निर्मल्य जो है, दृष्टि की निर्मलता जो है वो उसमें आ जाती है। इसलिए कबीर एक ऐसी दृष्टि को
अपने उस व्यक्तिगत जो उनका व्यक्तित्व था जिसके अंदर उनकी एक संवेदनशीलता एक अपनी मौलिक वस्तु थी, और वो मौलिक वस्तु जो है बाहर के साथ जब स्ट्रगल कर रही थी संघर्ष कर रही थी तो उस संघर्षण में से वो कहीं कहीं पर व्याकुल भी हो जाते हैं और देख करके कि अरे लोग जो है ये थे बिल्कुल मती का भोला जो कबीर तजे काशी में राम ही कहा निहोरा रे, अरे ये क्या है, अगर मैं यहाँ मरूं काशी में मरूं या वहाँ पर वो जो पास में गांव था उसमें जाके मरूं जहाँ लोग कहते थे कि वहाँ कोई मरता है तो अगला जन्म गधे की जोनी में होता है, तो वो ऐसा वो कहते कि नहीं इससे क्या फर्क, ये जो कबीर तन तजे काशी में तो राम ही कहा निहोरा रे, ये राम को क्या इसमें निहोरा देना उसको क्या, राम क्या करे इसके अंदर ये कुछ। तो इन बातों में वो इन रूढ़ियों में वो जिन रूढ़ियों में विशेष रूप थे, सभी रूढ़ियों में नहीं, जिन रूढ़ियाँ जो रूढ़ियाँ निर्जीव हो जाती हैं बाधक बनने लगती हैं उन रूढ़ियों के प्रति उनका विद्रोह है, सभी रूढ़ियों के प्रति विद्रोह नहीं है, मनुष्यता के प्रति विद्रोह नहीं है, आदमी का आदमी के साथ जो संबंध है वो संबंध जो है उसकी जहाँ रूढ़ी के अंदर जीवंतता है वो किसी भी स्थिति के अंदर वहां किसी का अवतार करने की स्थिति सोच ही नहीं सकते, इसलिए वो विनम्रता में भी जाते हैं तो विनम्रता की हालत ऐसी हो जाती है कि कबीर कूता राम का मोतिया मेरा नाम, अरे कबीर तो राम का कबीर कूता राम का मोतिया मेरा नाम गले राम की जेवड़ी जित खेचे टिक जाऊं। अभी आप जहां पर एक ऐसा आत्मसमर्पण है एक ऐसा उसको भक्ति का दैन्य का स्वरूप मान लें कि बिल्कुल अपने आप को समर्पित करने वाला व्यक्ति है, लेकिन वही व्यक्तित्व दूसरे पक्ष में उसका ये एक पक्ष है लेकिन दूसरे पक्ष में वही लोगों को समझाता है, तो वो ये बात कहता है कि देखो देह धरे का दंड है सबका हुए, क्यों लोग आखिर शारीरिक व्याधियों से मानसिक व्याधियों से तरह तरह की पीड़ाओं से लोग भी परेशान रहते हैं, तो वो लोगों को उनके पास जो भी आते होंगे बाद में जब वो थोड़ी सिद्धता में आ गए तो लोग जब जाते होंगे तो जरूर अपनी अपनी परेशानी सब लोग कहते थे तो उनको ज्ञान देते हुए कहते हैं कि ये जो देह धरने का दंड है भाई क्या किया जाए, ये शरीर धारण किया है ना तो शरीर धारण करने का ये तो दंड मिलना ही है, कुछ ना कुछ बीमारी चल रहेगी कहीं बाधा पड़ेगी कहीं कष्ट होगा कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आएगी उसके अंदर, लेकिन फर्क इतना ही है कहते हैं ज्ञानी भोगे ज्ञान से मूर्ख भोगे रोए, लेकिन प्रायः यही होता है कि जब मुसीबत आती है मुश्किल आती है कठिनाइयां आती हैं उसमें बाधाएं पड़ती हैं तो वो कहते हैं कि मूर्ख जो है वो रोने लग जाता है उसके लिए, लेकिन ज्ञानी उन्हीं परंपराओं को ज्ञानी उसी परिस्थितियों को ज्ञानी भोगे ज्ञान से वो ज्ञानपूर्वक उसको भोगता है, अपने दुख को भी कैसे भोगता है ज्ञानपूर्वक भोगता है, ज्ञानपूर्वक भोगने का मतलब यह है कि उसका वो समाधान तलाश करता है समाधान ढूंढता है और चिल्लाता नहीं है उसके अंदर, जो सहन करना है उसको सहन करता ही है, ये बात एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े बड़े दार्शनिक अगर देखें कितनी सरल भाषा में बड़ी सहजता के साथ आम आदमी को ये समझा देना कि ज्ञानी भोगे ज्ञान सो मूर्ख भोगे रोए, देह धरे का दंड है सबका हुक्म हुए, देह धारण किया है तो भी मनुष्य शरीर के अंदर तो कुछ ना कुछ ये बाधाएं तो संसार में आएंगी ही, लेकिन उसमें ज्ञानी की तरह जो चलता है और जो मूर्ख की तरह चलता है दोनों में बड़ा फर्क है, मूर्ख जो है वो और उलझा लेता है और ज्ञानी जो है वो मुश्किलात को सुलझा लेता है वो समझा लेता है, इसलिए कबीर का जो बहुमुखी व्यक्तित्व है उसने कोई महाकाव्य गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह नहीं लिखा या उसने कोई बहुत बड़ा एक व्यवस्थित रूप से कोई कविता करने की बात नहीं की,
लेकिन जैसे एक जीवन के अंदर रोज का ये तो बहता नीर है, ये तो एक बहता हुआ पानी है, और बहते पानी के अंदर जहाँ जहाँ जो धारा उठ रही है जीवन के अंदर, अगर कपड़ा बुन रहे हैं तो कपड़ा बुनते ही कहीं वो संवेदना जागृत हो गई तो उसमें आराम नाम रस भीनी चदरिया आए, ये जब ये चादर बनकर आई रंग रेत को देनी, ये चादर बुनी तो रंग रेत कौन जो कलर करता था कपड़ों को, जिसे रंग उसे रंगरेज कहते थे। तो यहाँ कबीर का रंगरेज कौन है? गुरु है, सदगुरु है उसका। वो तो सदगुरु जो है वो बांध के नहीं चलता है, वो एक बार मिलता है, जब भी मिलता है मुक्त भाव से मिलता है। तो वो सदगुरु जो है उसने ऐसा उपदेश किया है, रंगरेज को दीनी ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने, वो रंगरेज ने गुरु ने ऐसे रंग में मुझे रंग दिया मेरी चादर को। अब ये बुन रहा चादर है, लेकिन चादर के अंदर और बॉडी की जो पांच भूतों से जो निटिंग है, जो उसका वर्क है, वो दोनों समानांतर, यानी पांच भूतों के परस्पर पंचीकरण की प्रक्रिया को वो चादर के माध्यम से स्पष्ट कर रहा कि जैसे चादर बुनी जाती है ऐसे ये शरीर मनुष्य का बुना गया है। और ये लेकिन ये शरीर धारण करके बहुत से लोग इस शरीर का सदुपयोग, मनुष्य शरीर का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये चादर सुर नर मुनि ओढ़ी और सुखदेव ने निर्मल की ली। अब यह परंपरा के साथ सुखदेव उनको स्मरण कहाँ से आ गया, ये सुखदेव ने इस चादर को शरीर को धारण किया, लेकिन उन्होंने इसको बड़ी निर्मलता के साथ निर्दोष भाव से इसको उन्होंने त्यागा। और लेकिन ऐसा दास और लेकिन कबीर ऐसा कि उसने ज्यों की त्यों धर देनी, कि जैसा उन्होंने उनको ये चादर मिली थी उनको बिल्कुल वैसे का वैसा ही निष्कलंक करके ही वो उसको मृत्यु को अर्पित कर दिया उन्होंने उसको। तो ये सार्थकता की अनुभूति गाते गाते बीच के अंदर और कहीं पर उसमें आक्रोश पीड़ा दुख, एक मनुष्य का बड़ा सहज जीवन और सहज जीवन को ही एक दर्शन बना देना, सहजता के जीवन में से ही उबने नहीं देना, भागने नहीं देना, यहाँ उसको शब्द जाल में नहीं, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारण, शब्द जाल के अंदर उसको उलझा देना नहीं, बल्कि उन्हीं परिस्थितियों के अंदर रोजमर्रा का जीवन जो साधारण जीवन है, साधारण जीवन को ही एक दर्शन का रूप दे देना, ये संतों का एक बड़ा योगदान इस समाज को रहा है। उन्होंने शास्त्र को अस्वीकृत नहीं किया, उन्होंने परंपरा को अस्वीकृत नहीं किया, लेकिन परंपरा के अंदर जो क्लॉट्स आ जाते हैं उन क्लॉट्स का एक तरफ कर दिया और उसका जो सार था, सार सार को गही रहे तो सार को ग्रहण करता रहता है वो संत है। इसलिए वो उपदेश करते हैं अल्टीमेटली कि मैं आप लोगों को एक सुझाव देता हूँ, और वो सुझाव क्या है कि हे कबीर, कबीर कहता है कि अरे दूर जाकर के विचार मत करो, बहुत उधर ऊपर आकाश में वहाँ 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 कहीं विचार मत करो, वो तो अपने पास अपने निकट ही जाके आत्मदृष्टि है, वो आत्मदृष्टि जो है उस तत्व निष्ठा, उस आत्म में ही जिनकी निष्ठा है, जो अपने में ही उसको खोजते हैं, वो निश्चित रूप से वो जो आत्म में खोजते हैं उस अनुभव को व्यक्त करते हैं कि सोचत सोचत निकस्यो नीरु सो जल निर्मल कथित कबीरु, मैं तो कहीं नहीं गया ना आया, ना कहीं गया ना आया, ये बार बार कहते हैं वो। तो अपन पे देखा तो उसमें कहते हैं कि वो सोचते सोचते एक ड्रिलिंग होती चली गई, एक कुआं बन गया और उस कुएं में से राम जल निर्मल, वो बहुत ही निर्मल राम रस उसमें से उभर आया और कबीर अब उसको छक करके पी रहा है, उसको आनंद से पी रहा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बात पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कबीर को पढ़ें
तो कबीर को किसी वाद से संप्रदाय से जोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि वो ये घोषणा करते पका पकी के देखने, क्योंकि ये अहंकार से प्रेरित जो दृष्टियां हैं, अहम से प्रेरित नहीं, अहंकार से प्रेरित जो दृष्टियां हैं वो पक्ष विपक्ष में फंस जाती हैं, इसलिए वो कभी जीवन के सत्य को समझ नहीं पाती हैं, बल्कि असत्य को ज़्यादा असत्य की ही सेवा करने लगती हैं, असत्य का ही संप्रदाय चला देती हैं। इसलिए अगर मनुष्यता को बचना है तो उसको निरपक्ष होकर के देखना पड़ेगा, एक तटस्थ दृष्टि से देखना होगा। ये कबीर का मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मैसेज रहा, और ये कि कबीर से आप ये समझ सकते हैं कि जिसकी सहज संवेदना वो विद्वान है, पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ है ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो जीवन के प्रति संवेदनशील है रूप है पर हित में उसका उन्होंने मनुष्यता का अभिषेक किया है, इसलिए संतों के लिए ये शिव ही जनता लोग जो उनका आस परिवेश है, उनका जो आसपास है वो सभी उनका अपना है, उसी का वो विचारों से अभिषेक करते हैं, और उस अभिषेक से ये मनुष्यता को समस्त मानवता को अगर शांति मिलती है तो हम समझते हैं कि बहुत ही हमारा समीक्षण करना जो उनके पास जा करके विद्वानों को भी, ये संत लोग भी विद्वानों के पास आते थे और विद्वान लोग भी संतों के पास चले जाते थे, ऐसा नहीं है। ये वर्तमान इतिहास ने वो विद्रोह और ये क्रांति और इन शब्दों के भ्रम में डाल करके उनको भिन्न कर दिया, इसलिए मैं समझता हूँ कबीर के बारे में मौलिक दृष्टि से बराबर विचित्र करना बड़ा अपेक्षित है, और समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ, और आप सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत संक्षेप में आपने कबीर के विभिन्न पक्षों से हमें परिचित कराया, और मुझे लगता है कि यही दृष्टि चाहिए, एक व्यापक दृष्टि से देखें कि कबीर वस्तुतः क्या है, कबीर एक चेतना का नाम है, वो केवल व्यक्ति बना करके हम उनको केवल अपने साथ हैं, वो अनुभव की बात कर रहे हैं और मर्यादा की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी ही सोच कई बार जो है वो संकुचित हो जाती है। लेकिन फिर भी इससे पूर्व कि मैं किसी भी जो हमारे साथ जुड़े हुए प्रतिभागी हैं, यदि कोई वो प्रश्न या टिप्पणी चाहते हैं करना, पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो जरूर, लेकिन मैं एक जरूर चाहूंगा आपसे कि ये जो उलट बांसिया की तरह की उनकी जो भाषा, में नदिया डूबी, पूरा तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर भी कोई टिप्पणी करें कि ये उलट बांसियां क्या गाती हैं, और उसके बाद उदय कुलकर्णी जी आप भी सवाल साथ ही पूछ ली। प्रोफेसर मैं उलट बांसी के सवाल ले लीजिए, थोड़े से प्रश्न या टिप्पणियां। उदय जी पहले। उदय जी नमस्कार गुरु जी, मैं उदय कुलकर्णी बोल रहा हूँ भरूच से। कबीर के जो भी हमारे पास अभी उनका जो
उपलब्ध है साहित्य, उसमें तीन चीजें साकी, बीजक और दोहे। साकी, बीजक और दोहे, तो इन तीनों में अंतर क्या है? और दूसरा, एक कहानी उनके बारे में बहुत प्रसिद्ध है गोरख के साथ, तो गोरख और वो समकालीन थे या फिर वो ऐसी बनी बनाई कहानी, ये मुझे जानना था। ऐसा है कि गोरखनाथ उनके समकालीन नहीं थे। गोरखनाथ को जिन विद्वानों ने उन पर शोध किया है, वो गोरख उनसे पूर्ववर्ती थे, लेकिन नाथ पंथ गोरख के द्वारा, जो नौ नाथों के द्वारा प्रवर्तित जो नाथ पंथ था, जिसमें गोरख की स्थिति बड़ी अच्छी स्थिति रही है, तो उन्हीं को वो संबोधन करके, और ये कहते हैं कि गोरखनाथ जो है उनको एक प्रकार का नित्य देह प्राप्त है, वो अभी भी योग के द्वारा, हठ योग के द्वारा उनको काय सिद्धि प्राप्त है। तो उस दृष्टि से अगर माना जाए कि वो कबीर के समय में भी होंगे ढंग से, लेकिन वैसे जो उनका इतिहासकार उनके माध्यम से जो उनकी तिथि, वो 12वीं शताब्दी है, और कबीर में ये 14वीं नाथ पंथ की कुंडलनी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना बातें भी कबीर करते हैं बीच में, लेकिन नाथों के साथ वो असहमत हैं बहुत सी बातों के लेकर के, और इसलिए वहां पर उनको जोगी शब्द करके, जो अरे सुनता है गुरु ज्ञानी सुनता, ये वो सुनता है जानता है समझता है, तो वो भीतर का जो नाद श्रवण है, ये सारी बातें, ये उनका भी प्रभाव आया, लेकिन नाथों की वो जो सांप्रदायिक उसका वो संप्रदाय से नहीं जुड़े हुए अपने किसी के साथ, तो इसलिए गोरखनाथ के साथ, गोरखनाथ के नाम से उनके साथ उनका संवाद हुआ, और फिर गोरखनाथ का संवाद मेरा ख्याल है गुरु नानक से भी, मेरा ख्याल है कि ये एक लोक परंपरा में जो प्रचलित बातें जी हैं, लेकिन कबीर का गोरख के साथ जो संवाद हुआ है वो इस ढंग से ही संवाद है कि वो उसको बराबर में भी है, इस तरह से कबीर का संबंध है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से दोनों का समकालीन होना सिद्ध नहीं होता है। और दूसरी बात जो आपने की उल्ट बासियों की,
उल्टवासियां दरअसल में जब अनुभूति में आप जाते हैं, लोक व्यवहार में अनुभूति में जब आप जाते हैं, तो वहां पर ये भाषा के भी प्राचीन आचार्यों ने संस्कृत में विशेष रूप से उन्होंने भाषा के परा पश्यंती मध्यमा वैखरी ये चार रूप स्वीकार किए हुए थे। तो सामान्य व्यवहार में विचार में बहुत सारा ऐसा स्वीकार किया जाता है कि शब्द का जब क्योंकि शब्द की बात भी संत लोग बहुत करते हैं, साधो शब्द साधना की थे, यही शब्द से उपजा ये जग, इस शब्द से ही ये जगत उत्पन्न हुआ है, इसलिए शब्द साधना करनी चाहिए। अब ये शब्द साधना की परंपरा ये संस्कृत के आचार्यों में विशेषकर उसमें जो भर्तृहरि जैसे लोग थे उनका बहुत समाज के ऊपर उनका भी प्रभाव था। तो वो लोग ये कहते थे कि भाषा के जो रूप है उसमें ये पश्यंती के स्तर पर भाषा का स्वरूप अलग है, मध्यमा के स्तर पर भाषा का रूप अलग है और वैखरी के स्तर पर भाषा का रूप अलग है। हम लोग जिन शब्दों से प्रयोग कर रहे होते हैं वो भाषा वहां अनुभूति के क्षेत्र में जाकर के वो उलट जाती है। उलटने का मतलब क्या है कि नाव में नदियां डूबी आ रही, क्योंकि वो एक मोमेंट ऑफ वंडर है, एक विस्मय की स्थिति है, अद्भुत किम किम तद्धाम वो क्या है, शिव तुम्हारे धाम में जो चले गए, किम किम न नाम अद्भुतम, वहाँ हर क्षण एक अद्भुत अद्भुत ही अद्भुत है सब। इसलिए उस अद्भुत का जब वो विचार करते हैं तो उस समय भाषा उलट जाती है। वही बात वो कहते हैं नाव में नदियां डूबी जाए, नाव ब्रह्म जो था वो नदियां बन गया ब्रह्म और नाव बन गया मनुष्य का जो वो जो आत्म चेतन है। तो अब ब्रह्म जो है जैसे वो कबीर जब बताते नहीं कहते कि पहले पहले तो मैं हरी हरी करता फिर रहा था और उसके पीछे दौड़ रहा था, लेकिन अब पाछे पाछे हरी फिरे कहते कबीर कबीर, ये उल्टवासी हो गए कि हरी पीछे पीछे हम घूमते हैं, मैं हरी को वो हरी के पीछे अब मैं नहीं भागता हूँ, अब हरी मेरे साथ ही रहते हैं हर वक्त। तो उल्टवासी में जैसे ये है कि नदी जो है वो नाव में डूब रही है, एक वो जो विराट है वो विराट का विजन आपके इस छोटे से पिंड के अंदर आविर्भाव उसका हो जाना, उसको प्रकट करने के लिए दूसरी कोई भाषा नहीं है। ऐसे ही एक प्रयोग कबीर करते हैं ठाड़ा सिंह कि शेर खड़ा गाय को खेत में घास चरा रहा है। अब शेर कौन है, शेर शेर का तो भोजन है गाय, शेर कैसा गाय को चराएगा, कैसे वो घास खिलाएगा। लेकिन वहां पर भाषा उलटती है कि शेर है ज्ञान और गाय कौन है बुद्धि, ज्ञान अब बुद्धि का अनुसरण कर रहा है, ज्ञान ही बुद्धि की रक्षा कर रहा है। तो इसलिए ये संतों ने भी उन कूट पदों का प्रयोग जो किया है विशेष रूप से, जो अपनी बहुत आध्यात्मिक अनुभूतियाँ जिनके ऊपर भाषा का कुछ होने लगा कि नहीं सामान्य भाषा उसको काम नहीं कर रही है, तो वहाँ पर उन्होंने उसको उस तरह से बिल्कुल उलट के कहा कि उलट के यहाँ से ऐसे देखो, नदियां नाव में कहते बरसे कंबल भीगे पानी। तो ऐसी बहुत सारी उल्टवासियों को कहीं कहीं पर वो प्रयोग करते हैं लोक भाषा में जी। प्रोफेसर प्रवीण चौबे जी नमस्कार, रामनाथ जी प्रणाम, सतोष जी नमस्कार। मेरी थोड़ी चिंता, मैं बिल्कुल भी सर से 100% सहमत हूँ, सर की बात पे मुझे कुछ नहीं कहना, मैं एक टिप्पणी साथ में जोड़ना चाहता हूँ। मेरी चिंता जो है वो आशुतोष जी ने जिस तरह से इस विषय को आज रखा है उस आज के परिप्रेक्ष्य में है कि किस तरह से इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है हमारे संतों का, हमारे समाज का, हमारे लोग जो भी महर्षि हुए उनकी बातों का आज की समाज में जो इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, और उसके पीछे हमें जो मेरी चिंता है वो ये है कि हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं जूझ पा रहे हैं वो ये है कि हम जिन पंथों से डील कर रहे हैं आज वो या पहले भी वो पंथ हैं जो मिशनरीज हैं,
और हम जब धर्म की बात करते हैं या हिंदुस्तानी परंपरा की बात करते हैं तो वो मिशनरीज परंपरा नहीं है। तो मिशनरीज का अर्थ होता है एक मिशन। तो जब कोई मिशन में आता है और वो पंथ जो है वो पूरी तरह से राजनीतिक पंथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है, और उनका एक राजनीतिक एजेंडा है, तो जब उस एजेंडा के तहत आपको किसी दूसरी संस्कृति पर आक्रमण करना है और उस पर आधिपत्य करना है, तो आप एक जो आजकल एक शब्द बहुत यूज हो रहा है टूल किट, मुझे लगता है ये बहुत शब्द नया है लेकिन ये समाज में बहुत पुराना है। इस टूल किट का इस्तेमाल हिंदुस्तानी समाज या सभ्यता के ऊपर हमेशा किया गया है कि हिंदुस्तानी जो प्रतीक है उनका इस्तेमाल हिंदुस्तानी समाज के खिलाफ कैसे किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कबीर जी के दो दोहे का मैं सिर्फ उदाहरण दूंगा कि हमें बार बार ये तो कहा गया कि पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और बार बार हिंदू धर्म को इतनी गालियां दी गई हैं मूर्ति पूजा पे, जगह जगह मैं देखता हूं, लेकिन कहीं पे भी उसके साथ बरक्स इसको नहीं बोला जाता कि काकड़ पाथर जोड़ के मुल्ला मस्जिद ले चुनाए और ताव पर चढ़ के मुल्ला बांग दे बहरा भय खुदाए। इसके बरक्स में ये कभी नहीं आया कि वही कबीर ने वो भी कहा था। तो टूल किट जो है ना कि आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, और हिंदुस्तानी समाज का दुर्भाग्य है कि उसके ऊपर एक टूल किट का इस्तेमाल सदियों से होता रहा है, क्योंकि मिशनरीज धर्मों की अपनी स्पष्ट मनोदशा है, उनका स्पष्ट एक उद्देश्य है, गोल है, और हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी दशा क्या है, दिशा क्या है, क्योंकि हम मिशनरी है नहीं, हमारा कोई गोल है नहीं। तो इसलिए ये हमारी सारी कॉन्फ्लिक्ट, हमारी कंफ्यूजन ये है, जब तक हम इसमें क्लियर नहीं होंगे कि क्या हम इनके बराबर नालियों के रूप में एक नाली है उसमें दौड़ रहे हैं या क्या हम एक नदी हैं, तो ये सारा कंफ्यूजन बना रहेगा सारे संतों के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत मुझे मौका दिया उसके लिए। प्रोफेसर प्रवीण जी ने बहुत मतलब सटीक प्रश्न किया है, और यही मैंने जब लिखा था कि क्यों हम कर रहे हैं उसमें यही मैंने मुद्दा उठाया था कि इस चीज को कबीर जैसे जितने भी संत हैं वो हमें आहत करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। हमारा तो उस तरह का एजेंडा नहीं था, कोई आलोचना करे तो स्वीकार्य है, और मुझे लगता है कि जो हिंदू समाज है वो बड़ा इस मामले में सहृदय रहा है, सबको स्वीकार किया है, लेकिन जब एजेंडा उठा करके इस तरह से आहत किया जाता है, हिट किया जाता है, और वो भी बिलो द बेल्ट, तो मुझे लगता है कि इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और ये भी मुझे देखने में कई बार आया कि हिंदी के टीचर्स ही कबीर को जिस तरह से, जिस एजेंडा से कई बार पढ़ाते देखे मैंने, और पर्टिकुलरली गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो वो तो वाकई लगा कि भी ये टीचर्स पढ़ा रहे हैं या कौन पढ़ा रहे हैं, या टीचर्स के भेष में कौन लोग आ गए हैं जो इस तरह से कबीर को पढ़ा रहे हैं। लेकिन बहुत वाजिब प्रश्न है, और बहुत मैं आपके प्रश्न की प्रशंसा करता हूँ। एक ध्यान देने की बात है कि ऐसे लोग समाज में होते हैं। कबीर ने भी जब ये बात कही ना कि पका पकी के देखने सब जगत भुलाना, निरपक होई जोई देखे सोई साधु से आना, तो पका पकी का ये बात जैन मुनि भी कह रहे थे, धर्मशास्त्री भी कह रहे थे, हिंदू धर्मशास्त्री कि युक्तिहीन है विचारे तू धर्म हानि प्रजायते, युक्तिहीन विचार करने पर धर्म की हानि हो जाती है, इसलिए जरा धर्म के विषय में भी बात करनी हो तो जरा सोच के ही बोलना, समझ के बोलना, और थोड़ा पहले अपने आप को एक मध्य की स्थिति में लाओ। वयम तो मध्यस्थ है आखिरा, हम मध्यस्थ वाणी से धर्म का प्रतिपादन करते हैं, हम पक्ष विपक्ष की दृष्टि से नहीं, क्योंकि ये बात जो है ये हमारी परंपरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा, और वो हिस्सा जो है संत साहित्य के अंदर उसी रूप में उतर के आया, और बल्कि उसका उसमें कई जगह हमने एक संशोधित उपयोग भी किया उसका। अब बीजक है, लेकिन बीजक के उनका जो वाणी है उस बीजक का विचारदास शास्त्री के द्वारा उसमें संस्कृत के अंदर उसका भाष्य भी कर दिया गया, लिख लिया गया, और संस्कृत के लोगों के पास भी कबीर की बात पहुंचनी चाहिए। तो इस तरह से ये जो नई शिक्षा पद्धति है उसमें दरअसल में ये था कि उसने अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए आपकी दृष्टि का खंडन करना ही करना है, वो करेगी,
लेकिन आप अपनी निष्कलुष दृष्टि से अपनी परंपरा को देखने की आदत, अब हम केवल विरोध करके नहीं जी सकते हैं, हम विरोध भी करें लेकिन विरोध के साथ अपनी जो दृष्टि का मौलिक पक्ष है वो ये है कि तपसा शीलम जैसे हस्तव च पादव च मनश्चैव सुशीतलम्। अभिनव गुप्त कहते हैं कि जिसके हाथ पैर सब ठीक है और तपः शीलम च, और जिसके पास तप भी है और शील भी है, चरित्र भी है, उसको तीर्थ फलम सम अश्नुते, वही इस ज्ञान के तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। तो दोनों पक्ष हैं उसमें कि ये आसपास से बहुत से लोग बोलते हैं तो उनका विरोध होना ही चाहिए, वो तो गलत है, लेकिन ये है कि हम भी कहीं उनका खंडन करते करते वैसे ही ना हो जाए, ये बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि यही हुआ है कि उसमें वेदों की व्याख्या को इस्लामिक कुरान के ढंग से व्याख्यात करने का प्रयास एकेश्वरवादी दृष्टि से कर दे, कोई और दूसरे तरह से कर दे, तो अपनी परंपरा को सही अर्थों में जब आप समझेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो बाहर की दृष्टियां हैं, ये बाहर की दृष्टियां हमारे लिए व्यर्थ हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है, लोक में इस दृष्टि को लेके जाना चाहिए, मैं समझता हूँ। जी मैडम सुमित्रा हिसार से हैं। सुमित्रा जी गुड मॉर्निंग सर। जी जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, अगर संतों के आज के पर्सपेक्टिव के बारे में बात की जाए तो अगर बाहर का जो इन्फ्लुएंस है हमारे देश में उसके बारे में तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि हमारे रिलीजन को या फिर हमारे कल्चर को टारगेट बनाया जा रहा है और हम वो विजिबल भी है, बट हमारे देश के अंदर भी अब कई तरह के ऐसे पर्सपेक्टिव और इस तरह का कल्चर स्टार्ट हो गया है कि जो हमारा जो ये एंशंट वे जो चला आ रहा है इसके लिए एक बहुत ही भारी खतरा दिखाई देने लग गया है। जैसे एक तो व्हाट्सअप डिजिटलाइजेशन जो हुआ है उसमें कोई भी अगर राजनीतिक या कोई सामाजिक कोई भी प्रोपेगेंडा है उसमें कोई भी मैसेज रन कर देता है किसी भी संत का नाम लेकर, किसी भी वेद का नाम लेकर, या फिर कुछ भी किसी को कोई बात अपनी कहनी होती है उसके नीचे गीता या महाभारत या ऐसे कोई भी नाम मेंशन कर देते हैं। दूसरी बात ये कि एक कमर्शियलाइजेशन हुआ है जो संत पंथ है इसका। पहले जो संत थे वो आश्रमों में रहते थे, उनका एक प्योर डेडिकेशन होता था, चाहे वो पोएट्री हो चाहे वो किसी भी तरह की नॉलेज हो, बट अब वो ज्ञान से हटके वो कमर्शियलाइजेशन पर और अपनी पॉपुलैरिटी पर और जो मटेरियलिज्म है उस पर ज़्यादा फोकस करने लग गए हैं, और उसका इन्फ्लुएंस सिर्फ आम जनता पर ही नहीं पड़ रहा है, उसमें जो इंटेलेक्चुअल वर्ग आता है, जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप आता है वो भी उससे इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। अब बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल पीपल हैं जो मैं किसी मॉडर्न जो संत कहते हैं अपने आप को उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो भी अब उनका नाम लेते हैं, उनके घर में उनकी फोटोज होती हैं, और जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं वो खुद उनकी फोटोज घर में लगाकर उनको उनकी पूजा भी करते हैं। जी आप की टिप्पणी। तो जो हमारा जो ओरिजिनल रिलीजन या जो हमारा जो ओरिजिनल कल्चर है सर वो खत्म होने जा रहा है इस जी आपका कोई मैडम सुमित्रा की बात पे कोई प्रतिक्रिया आप सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सुमित्रा जी ने जो कहा मैं उस पर बोलूं? हाँ नहीं अगर आपने कुछ उस पे अपनी प्रतिक्रिया नहीं मैंने सुना जी जी वो ये है कि ये जो परिस्थिति है ये कोई नई नहीं है परिस्थिति, ये बाहर से जो चैलेंजेस आते हैं ये चैलेंजेस जो हैं ये बाहर से पहले भी आते थे, बुद्धिस्ट पीरियड के अंदर भी आते रहे, उससे पहले भी आते रहे, फिर भी आते रहे हैं।
और बाहर से अब की बार जो चैलेंजेस हैं वो क्योंकि जरा क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की सहायता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए वो उनके अंदर जरा क्षिप्रता ज़्यादा आ गई है, ज़्यादा तेजी आ गई है। लेकिन उसके अंदर एक ये है कि हम स्वयं अपने आप को एक तो उसके बारे में सही रूप को अगर जागृत करेंगे तो एक व्यक्ति भी अगर सही माने में जागृत हो जाता है तो वो बहुत सारे समाज के अंदर फैले हुए ऐसे जो मिथ्या प्रचार होते हैं उनको दूर करने में समर्थ हो जाता है वो जी। इसीलिए राशि जी एक अंतिम प्रश्न उदय कुलकर्णी जी का जी। उदय जी उदय जी आपने हाथ खड़ा किया हुआ था जी। हाँ हाँ गुरु जी ने अभी जैसे सटीक एक बात बताई कि ये जो प्रोपोगंडा है वो फॉल्स प्रोपोगंडा है, लेकिन उसके लिए हम सिर्फ विरोध कर कर ही बात को आत्मसंतोष नहीं है तो उससे काम नहीं चलेगा। हमें खुद का जो अमृत है उसको चखना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। तो उस बारे में जो हमारी उदासीनता है उस उदासीनता को दूर करने के लिए जितने हम प्रयत्नशील रहेंगे तभी हम इसके बारे में और कुछ ज्यादा कर पाएंगे। थैंक यू। ठीक है जी जी ठीक है। तो अगर किसी और के कोई प्रश्न या टिप्पणी हो तो हम लेंगे, या नहीं तो इस कार्यक्रम को आज हम पूर्ण करते हैं और अपने श्रद्धा सुमन जो है संत कबीर जी को अर्पित करते हैं। डॉक्टर विनय सिंगल जी मैडम विनय सादर नमस्कार जी। सर सर आप मेरे को सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी, जी, सर चरण वंदना जी। सर गुरु चरणों में चरण वंदना। सर सर मैं ये कबीर कुछ टाइम से पढ़ रही हूँ तो ऐसा लगता है कि कक्षाओं में कबीर का जो वाणी है हम लोग ज्ञान योग दर्शन के ज्ञान के साथ साथ अनुभव के बिना भी उसको समझाना बहुत मुश्किल है। एक योगी जो है वो उसको बेहतर तरीके से समझा सकता है और ऐसा अनुभव ऐसा कुछ महसूस होता है कि जब हम कबीर को पढ़ते हैं और उस व्यक्ति को अगर कक्षा में पढ़ा रहे और योग दर्शन का ज्ञान ना हो तो किस तरह से एक्सप्लेन करते होंगे अगर उन्होंने पतंजलि योग सूत्र नहीं पढ़ा है। तो इस तरह के कुछ इच्छा है कि क्या इसको ऐसे कुछ हम विषय रख सकते हैं कि योग दर्शन के साथ। हाँ नहीं नहीं ऐसा उसमें बेटा ये बड़ी साधारण बात है कि इन लोगों ने जो ये लोग ऐसे नहीं थे कि संत सिर्फ बड़बड़ाते थे बात करते थे। ऐसे कुछ संतों को देखा हमने जो साधना रत रहते थे। ये लोग भाषा इनके पास संस्कृत रहे या लोक भाषा रहे लेकिन ये लोग साधना में अग्रसर होते थे और वो साधना में वो योग की पतंजलि योग की जो स्थितियाँ थी वो पतंजलि योग की स्थितियाँ क्योंकि परिवेश तो वही था इसलिए वो स्थितियाँ लोक भाषा में उतर आई थी। इनको ये अदर अन्यथा ये षटचक्र निरूपण और ये कुंडलिनी योग और नाद योग लय योग ये और सोमत्सो अगर कबीर के आप देखें तो तीन योगों की कल्पना की इन्होंने जो संस्कृत में भी शायद नहीं है। वो इन्होंने योग के तीन पक्ष रखे हैं। एक को कहा है कि पिपीलिका योग और दूसरा जो है वो मीन योग और तीसरा कहा विहंगम योग। अब ये तीनों योगों के बारे में संस्कृत के पंडितों ने तो मेरे ख्याल नहीं सुना होगा कभी। पिपीलिका योग कहते हैं कि वो है कि जो किसी के जैसे जिसे पतंजलि योग में संप्रज्ञात कहा है कि कुछ थोड़ी सी आगे आलंबन लेकर के या कुछ चींटी जो है पिपीलिका कहते हैं चींटी को चींटी जैसे आगे चलती है तो उसको कहीं से कुछ मीठे का दाना आगे नजर आता है तो जब तक मीठे का दाना नजर आता है तो वो चलती रहती है और जब वो मीठा आना बंद हो जाता है तो वो बंद हो जाती है उसकी गति रुक जाती है। ये पिपीलिका योग है कि चींटी की तरह ऐसे लोग जब कुछ योग में सुख आ रहा है उससे योग के पीछे लगे रहते हैं लेकिन फिर बीच में जहां पर उनका अवरोध आ गया कोई दिक्कत आ गई तो उसमें रुक जाते हैं। ऐसे मीन योग जो है
उसके अंदर मछली जो है जल के अंदर जैसे एक किनारे से दूसरे किनारे तक बड़ी तीव्रता से जाती है, ऐसे ही कुछ लोग जो हैं वो मीन योग, सांसा का है मीन, श्वास के अनुसार, अब श्वास के साथ तंत्र और योग की बातें कर रहा है संत। ये श्वास योग क्या है कि सांस को देखना है, इन सांसों को कि श्वास की गति प्राण और अपान की गति कैसे चलती है, उसको सांसा कहा है, कंठ का जाप पिपीली का। इसलिए कबीर कहते जो कंठ से जाप किया जाता है, वैखरी जिसको हम संस्कृत वाले कहते थे, वो कहते हैं कि कंठ का जाप जो मुंह बोल के जप कर रहे हैं राम राम, ये एक चींटी का, ये पिपीली का योग का मार्ग है। और सांसा का है मीन, जब आप श्वास से हम सो हम जो हम सब ऐसे करने लगते हैं श्वास के साथ, तो ये मीन योग में आपका प्रवेश हो गया। फिर वो कहते हैं तीसरा है विहंगम योग। विहंगम योग कौन सा है कि जब आप नीचे से ना चींटी की तरह ना मीन की तरह, विदाउट एनी यू टेक ऑफ, आप एरोप्लेन की तरह अपने ग्राउंड से आकाश के अंदर विचरण करने लगते हैं, पक्षी की तरह स्वयं उसमें उड़ते हैं, आप स्वयं उसमें आवर्त बनाते चले जाते हैं, अपनी मर्जी से उड़ते हैं, मर्जी से ही उतर आते हैं, जैसे भी आपको चाहिए। तो उन लोगों ने भी साधना, ऐसा नहीं था कि ये लोग बिना साधना के सिद्धि की ओर बढ़ रहे थे, फिर तो इनका बिल्कुल डपला हो जाता बिल्कुल सारे का सारा। इसलिए वो पतंजलि योग या दूसरे तंत्र योग या वो सारे के सारे लोक भाषा में पंडितों के माध्यम से, लोगों की आपस की रोजमर्रा की चर्चाओं से, महाभारत वाल्मीकि रामायण की कथाओं के माध्यम से और दूसरी कथाओं के माध्यम से लोक जीवन के वो सब प्रवेश कर चुकी हुई चीजें थी, जिनको नहीं भी पता घर में, वो घर के अंदर जो गृहिणियां थी उनमें किचन योग चलता था, भोजन कैसे बने, भोजन बनाना परिपाक कला जो है उसमें पढ़ी लिखी है कि नहीं, लेकिन परिपाक कला में ऐसी सिद्ध तो जो पढ़ी लिखी ना मैं ऐसा रस पैदा कर सके, वो अनपढ़ औरतें जो है वो रस पैदा कर दी, ऐसी कुछ स्थिति थी। इसलिए कबीर जो है वो जब अपना मॉडल बनाते हैं तो वो दो को मॉडल बनाते हैं, सती को और सूरा को, सती सूरा, सती स्त्री और सूर जो पति, वो दोनों का हम उनको मानते हैं, प्रसिद्ध हैं दोनों। जी धन्यवाद, ये बड़ा एक सुंदर आपने अंतर बताया, तीन प्रकार का योग, मीन योग, विहंगम योग और पिपीलिका योग। कंठ का जाप, इसको दोए को याद रख लें, कंठ का जाप पिपीलिका, सांसों का है मीन, सूरत जाप विहंग है जानत परम प्रवीण। सूरत जाप, सूरत जाप क्या है, सुरति का जप। जी जी, सुरति कहते हैं कि वो आपका बोध उड़ गया, आप टेक ऑफ। जी जी जी, बड़ा रेयर ही है और ये हमें नहीं पता था, हमारे तो बिल्कुल ध्यान में नहीं था, लेकिन इसके लिए धन्यवाद। हमारे साथ प्रोफेसर बीना अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगी, और फिर उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन करेंगे मैडम विनय सिंगल, क्योंकि वो कन्वीनर है इस सेमिनार की। बीना अग्रवाल जी, नमो नमस्ते। मैडम बीना, मैडम बीना जी आप सुन पा रहे हैं? ओके, चलिए इससे पहले कि मैं मैडम विनय सिंगल जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करूं, एक दोहा मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ साझा कर लेता हूं। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। कि जब अंतिम समय आया तो कबीर जी रो पड़े, क्योंकि उन्होंने कहा कि भी जो सुख साधु संग में है वो बैकुंठ में भी शायद ना मिले। तो ये आयोजन आप इसको साधु संग ही समझें, ये वेबिनार वगैरह ये शब्दावली को बहुत गहरी और वो तो नहीं होती, तो और
इस तरह के साधु संघ या सत्संग शब्दों का हम प्रयोग करने से संकोच करते हैं, एकेडमिक्स में ये प्रयोग नहीं होते, ये देश का दुर्भाग्य है, एकेडमिक्स का दुर्भाग्य है। तो मुझे लगता है कि अगर हम विचार चर्चा या साधु संघ शब्द का प्रयोग करें तो उसके और भी गंभीरता आती है और कई आयाम सामने आते हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर विनय सिंघल जी को, जो कि हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत आरकेएसटी कॉलेज से, कि वो सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें, मुख्य वक्ता का भी और सभी प्रतिभागियों का भी। ममता सिंह, जो आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय रहा है कि हालांकि सुनती रोज हूँ डॉक्टर साहब की, कई बार मैं आपकी वीडियोस यूट्यूब पे चला के सुन लेती हूँ जो कुछ छूट जाता है कभी कभार, तो मैं गुरु चरणों में नमन करती हूँ और जितने भी प्रतिभागी इस समय आचार्यगण बैठे हुए हैं उन सबको सादर नमन करते हुए मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ और कि कबीर पे आज ये इतनी सुंदर परिचर्चा हुई और इस परिचर्चा में मेरे गुरुवर डॉक्टर रमाकांत इंदिरस जी ने इतना सुंदर भाष्य दिया, इतना सुंदर हमारे को ज्ञान दिया, उपदेश दिया, अद्भुत ज्ञान, और आप का हृदय से धन्यवाद करते हैं। और डॉक्टर आशुतोष जी, आपके साथ अनुसार चलते हुए और इस परंपरा को एक विशेष, एक विस्तृत रूप में इन्होंने न केवल भारत में, मतलब बाहर बाहर तक इन्होंने फैला दिया है कि संस्कृत केवल एक विषय से संबंधित कोई एक भाषा नहीं है, ये सभी विषयों से जुड़ी हुई है, चाहे विज्ञान है, चाहे ज्ञान है, और ज्ञान का कोई भी क्षेत्र है वो किसी से भी हम संस्कृत विषय को अलग नहीं कर सकते। ये संदेश डॉक्टर आशुतोष जी ने संपूर्ण विश्व में फैलाया है और इस माध्यम से मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आज एक अद्भुत ज्ञान सुनने को मिला, कबीर के बहुत सुंदर परिचर्चाएँ हुई, कुछ दिनों से कबीर पढ़ रही हूँ कि सोऊं तो सपने ले लूँ या फिर क्यों फिरता मगरूरी में मन लागू यार फकीरी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सुंदर दोहे। इसीलिए आपसे प्रश्न किया था कि योग दर्शन जिन्होंने जिया है वो ऐसा लगता है कि हमारी सामान्य भाषा में अभी कुछ समय से कबीर पढ़ रही हूँ तो ऐसा लगता है कि वो कबीर हैं जिन्होंने वास्तव में अनंतनाद का बड़ा विस्तृत वर्णन किया। तो इस पे जो भी चर्चाएं परिचर्चाएं जिन्होंने की, जिन्होंने अपने प्रश्न किए, उन सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर आशुतोष जी की और सभी कॉलेजेस की तरफ से। धन्यवाद मैम। चलिए आज इस कार्यक्रम को यहीं पे पूर्णता प्रदान करते हैं। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। चलिए साधु संघ से शायद कुछ इस तरह का हो सके कि हम लोग भी उस स्तर पे पहुंचें और अपनी परंपरा की रक्षा भी कर सकें, एक विकल्प भी प्रदान कर सकें और जो आने वाली चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को हम भरपूर जो है उनका मुकाबला करें और जो है पुनर्स्थापन और पुनर्प्रतिष्ठा भारतीय संस्कृति को। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम मीनाक्षी ने फॉर्म शेयर किया हुआ है, आप लोग प्लीज उसको भर दीजिएगा और उसके बाद आप मीटिंग छोड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़ने के लिए। बहुत कम समय था और उसी में हम लोगों ने किया और आप लोगों ने सहयोग दिया। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर रविंद्र जी, डॉक्टर विनय उपाध्याय जी, धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। श्री बी डी थापर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रेणुका ध्यानी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम कांता जी, फॉर्म भर दीजिएगा, फॉर्म भर के आप मीटिंग छोड़ सकते।